अबे तो फिर रो रहा है पेट्रोल को लेके। तेरे को कितनी बार तो मना कर लिया, अबे छोड़िए पेट्रोल वेट्रोल, सीधा इलेक्ट्रिक पे स्विच मार। भाई ले तो लूँ इलेक्ट्रिक, लेकिन किसे पता भाई कितना बिल आएगा। अगर उसका ही महीने का बिल लगा 4-5 हज़ार रुपये, कौन भरता फिरेगा फिर। दोस्तों आप में से ही बहुत से लोग होंगे जो कि ओला का स्कूटर बुक करके बैठ गए होंगे और वेट कर रहे हैं कि भाई हमें कब जल्दी से डिलीवरी मिलेगी। लेकिन उनके मन में एक दिमाग में ये भी चीज़ चल रही है कि भाई एक चीज़ और पता लग जाए कि मेरा महीने का बिल कितना बैठेगा, क्या ये ज़्यादा होगा, क्या ये बहुत कम होगा। थोड़ी इस पर क्लैरिटी मिल जाती तो मज़ा ही आ जाता। तो आज दोस्तों इसी वीडियो में आपको ये बता दूंगा, बिल्कुल क्लैरिटी दे दूंगा, आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण, आप देख रहे हो ईवी ज्ञान। चलिए इस वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों इस वीडियो में आपको इतने एक सिंपल फॉर्मूला दूंगा जिससे आप ओला छोड़ो, सिंपल एनर्जी, एथर एनर्जी या फिर बाकी जो स्कूटर होंगे उनका भी एक एस्टीमेट बिल निकाल दोगे पूरे महीने का। तो सबसे पहले बात करते हैं ओला स्कूटर की। तो हमें यहाँ पे दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, एक है S1, एक है S1 Pro। अब यहाँ पे फॉर्मूला पता है क्या कहता है, फॉर्मूला ये है कि उस स्कूटर में जो बैटरी लगी है उसे देख के आप बता सकते हो कि आपका कितना बिल बैठने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं ओला S1 की। इस स्कूटर में आपको देखने को मिलती है 2.9 किलोवाट आवर की बैटरी। इसका मतलब ये है कि अगर आप इसे चार्ज करोगे तो इसमें 2.9 किलोवाट यूनिट स्टोर हो जाएगी। लेकिन ये आइडियल केस होता है, लेकिन रियल वर्ल्ड में हमें यहाँ पे लॉसेस देखने को मिलते हैं। जब हम एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं ना इधर से उधर, तो उसमें लॉसेस जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं पकड़ के चल रहा हूँ 3.5 यूनिट मैक्सिमम। अब इस 3.5 यूनिट का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि कोई बंदा है वो डेली ओला स्कूटर को चार्ज और डिस्चार्ज कर रहा है, उसमें उसकी 3.5 यूनिट लग रही है। अब आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इसे 2 दिन में चार्ज करेंगे, कुछ होंगे 3 दिन में चार्ज करेंगे और कुछ होंगे डेली चार्ज करेंगे। तो यहाँ पर जो मैं केस लेके चल रहा हूँ वो डेली चार्ज का लेके चल रहा हूँ। तो अब हमें यहाँ पे ये तो पता लग गया कि जो ओला का S1 स्कूटर है इसे एक बार फुल चार्ज करने में ना हमारी 3.5 यूनिट लग रही है। अब यहाँ पर हम एक महीने की बात कर रहे हैं तो इसलिए हम इसे 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो आ रही है वो है 105 यूनिट। अभी जो 105 यूनिट आई है आपका एक महीने में खर्च हुई बिजली है। अब आप इसे इंटू कर दो आपके यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी रेट है, मेरे यहाँ पे 5 रुपये हैं। तो अगर इस 105 को मैं 5 से इंटू कर दूँ तो मेरे पास निकल के आते हैं 525 रुपये। तो उसका मतलब ये हो जाता है कि अगर मैं इसे डेली भी चार्ज कर रहा हूँ ना तो मेरा बिल जो आएगा वो 525 रुपये आएगा। अब मैं आपकी बात कर लेता हूँ, मुझे नहीं पता आपके यहाँ पे क्या इलेक्ट्रिसिटी रेट है, लेकिन यहाँ पे मैं एवरेज 10 रुपये मान के चल रहा हूँ। तो अगर हम यहाँ पे 10 से इंटू कर देते हैं 105 यूनिट की तो ये बैठ जाता है 1050 रुपये। तो यहाँ पर अगर आप इस स्कूटर को डेली चार्ज करते हो और आपके यहाँ पे 10 रुपये यूनिट है तो आपका पूरा महीने का खर्चा आएगा 1050। और अगर आप इसे 2 दिन में एक बार चार्ज करते हो तो इसे डिवाइड बाई 2 कर दो तो वो हो जाएगा 525 रुपये। अगर आप 3 दिन में एक बार चार्ज करते हो तो इसे आप डिवाइड कर दो 3 से तो आपके सामने जो आएगा वो इस प्रकार होगा। तो यहाँ पे हमने बात कर ली ओला S1 की। अब S1 Pro में भी कोई डिफरेंस नहीं है, वहाँ पे बस थोड़ी सी बड़ी बैटरी है। अब आपको करना क्या है, जैसे यहाँ पे कैलकुलेट करा था वैसे ही वहाँ पे कर लेते हैं। तो जो पहले हमने कैलकुलेशन करी थी वो हमने करी थी 2.9 किलोवाट आवर की बैटरी के साथ। अब जो बैटरी है उसका साइज बढ़ चुका है, S1 Pro में हमें देखने को मिलती है 3.9 किलोवाट आवर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम मैक्सिमम यूनिट लेके चलेंगे यहाँ पे 3.5 की जगह 4.5, और उसके बाद जो कैलकुलेशन होगी वो इस प्रकार होगी। अगर आप दिल्ली जैसी सिटी में रहते हो जहाँ पे 5 रुपये यूनिट है तो आपका S1 Pro में लगेंगे 675 रुपये, और अगर हम इसे 10 रुपये यूनिट से भी लेके चलें तो इसका जो मैक्सिमम बिल आएगा एक महीने का वो होगा 1350 रुपये। तो दोस्तों यहाँ पे अब आपको पता लग गया कि ओला का जो स्कूटर है S1 और S1 Pro इसमें आपका एक महीने का बिल कितना निकल के आएगा। आप चाहे तो इस फॉर्मूले से अदर स्कूटर का भी निकाल सकते हो, जैसे सिंपल एनर्जी। सिंपल एनर्जी में जो बैटरी पैक काफ़ी बड़ा है 4.8 किलोवाट आवर का, तो 4.8 किलोवाट आवर की बैटरी को लेके आप इस फॉर्मूले में पुट कर सकते हो जैसे जैसे मैंने बताया है। तो दोस्तों ये था काफ़ी सिंपल सा फॉर्मूला जिससे आप एक महीने का बिजली का खर्चा निकाल सकते हो, ओला नहीं किसी भी स्कूटर का। अब यहाँ पर ये बात यहाँ पर ख़त्म हो जाती है, काफ़ी अच्छी लग रही है कि हाँ भाई इतना कम बिल आएगा, हमारा तो पेट्रोल इतना ज़्यादा फूक रहा था। लेकिन अब आप में से कुछ लोग निकल के आएंगे जो कमेंट कर देंगे फटाफट से कि भाई ये तो तूने बता दिया चार्जेस, बैटरी के बताना भाई, बैटरी जो महंगी आएगी 50-60 हज़ार की उसका क्या हिसाब है। तो उसकी वीडियो मैं अलग से लेके आऊँगा क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। उस वीडियो के लिए वहाँ पे मैं क्या क्या करूँगा, कंपेयर करूँगा एक पेट्रोल वाले को इलेक्ट्रिक से कौन सा फ़ायदेमंद ज़्यादा है। उस वीडियो के लिए अभी से सब्सक्राइब कर लो, जल्दी वीडियो आने वाली है। ये वीडियो कैसी लगी कॉमेंट ज़रूर बताना, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।